परमेश्वर के दैनिक वचन। यीशु 5,000 लोगों को खिलाता है। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 8-13। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से, जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। 5 रोटियां और 2 मछलियां की संकल्पना क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां आम तौर पर कितने लोगों के लिए पर्याप्त होंगी? यदि तुम एक औसत व्यक्ति की भूख के आधार पर मापो तो ये केवल 2 व्यक्तियों के लिए ही पर्याप्त होंगी। 5 रोटियों और 2 मछलियों का मूलतः यही विचार है, किंतु इस अंश में 5 रोटियों और 2 मछलियों से कितने लोगों को खिलाया गया? पवित्र शास्त्र में ये दर्ज है, उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। 5 रोटियों और 2 मछलियों की तुलना में क्या 5,000 एक बड़ी संख्या है? इतनी बड़ी संख्या क्या दर्शाती है? मानवीय परिप्रेक्ष्य से 5,000 लोगों में 5 रोटियां और 2 मछलियां बांटना असंभव होगा, क्योंकि लोगों और भोजन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक छोटा सा टुकड़ा भी मिलता, तब भी ये 5,000 लोगों के लिए काफी न होता। परंतु यहां प्रभु यीशु ने एक चमत्कार किया। उसने न केवल ये सुनिश्चित किया कि 5,000 लोग भरपेट खा लें, बल्कि कुछ भोजन बच भी गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से, जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। इस चमत्कार ने लोगों को प्रभु यीशु की पहचान और हैसियत देखने में सक्षम बनाया, और ये भी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की सच्चाई को देखा। 5 रोटियां और 2 मछलियां 5,000 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त थीं, परंतु यदि वहां कोई भोजन न होता तो क्या परमेश्वर 5,000 लोगों को खिला सकता था? निसंदेह वो खिला सकता था। ये एक चमत्कार था, इसलिए अनिवार्य रूप से लोगों को लगा कि ये समझ से बाहर, अविश्वसनीय और रहस्यमय है। परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब परमेश्वर के लिए ये एक सामान्य चीज थी, तो इसे अब व्याख्या करने के लिए क्यों चुना है? क्योंकि इस चमत्कार के पीछे प्रभु यीशु की इच्छा निहित है, जिसे मानव जाति द्वारा कभी देखा नहीं गया है। पहले आओ ये समझने का प्रयास करें कि ये 5,000 लोग किस प्रकार के थे। क्या वे प्रभु यीशु के अनुयायी थे? पवित्र शास्त्र से हम जानते हैं कि वे उसके अनुयायी नहीं थे। क्या वे जानते थे कि प्रभु यीशु कौन है? निश्चित रूप से नहीं। कम से कम वे ये नहीं जानते थे कि
कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है वो प्रभु यीशु है, या हो सकता है कि कुछ लोग केवल इतना जानते हों कि उसका नाम क्या है और वे उसके द्वारा की गई चीजों के बारे में कुछ जानते हों या उनके बारे में उन्होंने कुछ सुना हो। प्रभु यीशु के बारे में उनकी उत्सुकता केवल तभी जागृत हुई थी जब उन्होंने उसके बारे में कहानियां सुनी थीं। पर तुम लोग निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वे उसका अनुसरण करते थे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वे उसे समझते थे। जब प्रभु यीशु ने इन 5,000 लोगों को देखा तो वे भूखे थे और केवल अपना पेट भरने के बारे में ही सोच सकते थे। इसलिए ये इस संदर्भ में था कि प्रभु यीशु ने उनकी इच्छा पूरी की। जब उसने उनकी इच्छा पूरी की तो उसके हृदय में क्या था? इन लोगों के प्रति उसका रवैया क्या था जो केवल अपना पेट भरना चाहते थे? इस समय प्रभु यीशु के विचार और उसका रवैया परमेश्वर के स्वभाव और सार से संबंधित थे। इन लोगों का सामना करने पर जो खाली पेट थे और केवल भरपेट भोजन करना चाहते थे, और जो उसके प्रति उत्सुकता और आशा से भरे थे, प्रभु यीशु ने केवल उन पर अनुग्रह करने के लिए इस चमत्कार का उपयोग करने के बारे में सोचा, किंतु उसने ये आशा नहीं की कि वे उसके अनुयायी बन जाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि वे केवल मौज मस्ती करना और पेट भरकर खाना चाहते थे। इसलिए उसने वहां जो कुछ उसके पास था उसका सर्वोत्तम उपयोग किया और 5,000 लोगों को खिलाने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों का उपयोग किया। उसने उन लोगों की आंखें खोल दीं जिन्हें रोमांचक चीजें देखने में मजा आता था, जो चमत्कार देखना चाहते थे, और उन्होंने अपनी आंखों से उन चीजों को देखा जिन्हें देहधारी परमेश्वर पूरी कर सकता था। यद्यपि प्रभु यीशु ने उनकी उत्सुकता शांत करने के लिए कुछ मूर्त चीजों का उपयोग किया, किंतु वो अपने हृदय में पहले से जानता था कि ये 5,000 लोग बस अच्छा भोजन करना चाहते हैं। इसलिए उसने उन्हें उपदेश नहीं दिया बल्कि उनसे कुछ भी नहीं कहा। उसने बस उन्हें वो चमत्कार घटित होता देखने दिया। वो इन लोगों के साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार नहीं कर सकता था जिस तरह से वो अपने उन शिष्यों के साथ करता था जो वास्तव में उसका अनुसरण करते थे, परंतु परमेश्वर के हृदय में सभी प्राणी उसके शासन के अधीन हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी दृष्टि में सभी प्राणियों को परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाने देता है। भले ही ये लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है, या वे उसे समझते नहीं थे, या रोटियां और मछली खाने के बाद भी उनके ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, या उसके प्रति उनमें कोई कृतज्ञता नहीं थी, ये ऐसा कुछ नहीं था जिसका परमेश्वर ने मुद्दा बनाया हो। उसने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाने का एक अद्भुत अवसर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें उसके सिद्धांत होते हैं, कि वो अविश्वासियों पर नजर नहीं रखता या उनकी सुरक्षा नहीं करता, और कि विशेष रूप से वो उन्हें अपने अनुग्रह का आनंद नहीं उठाने देता। क्या मामला वास्तव में ऐसा ही है? परमेश्वर की नजरों में जब तक वे ऐसे जीवित प्राणी हैं जिन्हें उसने स्वयं बनाया है, वो उनका प्रबंधन और उनकी परवाह करेगा, और अनेक तरीकों से वो उनके साथ व्यवहार करेगा, उनके लिए योजना बनाएगा और उन पर शासन करेगा। सभी चीजों के प्रति परमेश्वर के यही विचार और यही रवैया है। यद्यपि रोटी और मछली खाने वाले 5,000 लोगों ने
प्रभु यीशु का अनुसरण करने की योजना नहीं बनाई, फिर भी उसने उनसे कोई कठोर मांग नहीं की। जब उन्होंने भरपेट खा लिया तो क्या तुम लोग जानते हो कि प्रभु यीशु ने क्या किया? क्या उसने उन्हें जरा भी उपदेश दिया? ऐसा करने के बाद वो कहां गया? पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं है कि प्रभु यीशु ने उनसे कुछ कहा था। बस अपना चमत्कार पूरा करके वो चुपके से चला गया। तो क्या उसने इन लोगों से कोई अपेक्षा की? क्या उसके मन में उनके प्रति कोई नफरत थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस इन लोगों पर अब और ध्यान देना नहीं चाहता था जो उसका अनुसरण नहीं कर सकते थे, और इस समय उसके हृदय में दर्द था, क्योंकि उसने मानव जाति की भ्रष्टता को देखा था और उसके द्वारा नकारे जाने का अनुभव किया था। जब उसने इन लोगों को देखा और जब वो उनके साथ था, तो मनुष्य की मूढ़ता और अज्ञानता से वो बहुत दुखी हुआ और उसके हृदय को पीड़ा पहुंची। वो बस इन लोगों को जल्दी से जल्दी छोड़कर चला जाना चाहता था। प्रभु ने अपने हृदय में उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं की। वो उन पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता था, और इससे भी अधिक वो अपनी ऊर्जा उन पर व्यय नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वे उसका अनुसरण नहीं कर सकते, किंतु इस सब के बावजूद उनके प्रति उसका रवैया अभी भी बिल्कुल स्पष्ट था। वो बस उनके साथ दयालुता का बर्ताव करना चाहता था, उन्हें अनुग्रह प्रदान करना चाहता था, और निस्संदेह ये अपने शासन के अधीन प्रत्येक प्राणी के प्रति परमेश्वर का रवैया था। प्रत्येक प्राणी के साथ दयालुता का व्यवहार करना, उनका भरण पोषण करना, उनका पालन पोषण करना। जिस मुख्य कारण से प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर था, उस कारण से उसने बहुत ही प्राकृतिक ढंग से स्वयं परमेश्वर के सार को प्रकट किया और इन लोगों के साथ दयालुता का बर्ताव किया। उसने उनके साथ परोपकार और सहनशीलता वाले हृदय से व्यवहार किया, और ऐसे हृदय से उसने उन पर दया दिखाई। चाहे इन लोगों ने प्रभु यीशु को जैसे भी देखा और चाहे इसका जैसा भी परिणाम होता, उसने हर प्राणी के साथ समस्त सृष्टि के प्रभु की अपनी स्थिति के आधार पर व्यवहार किया। उसने जो कुछ भी प्रकट किया वो बिना किसी अपवाद के परमेश्वर का स्वभाव और स्वरूप था। प्रभु यीशु ने चुपचाप ये काम किया और फिर चुपचाप चला गया। परमेश्वर के स्वभाव का ये कौन सा पहलू है? क्या तुम कह सकते हो कि ये परमेश्वर की प्रेममय करुणा है? क्या तुम कह सकते हो कि ये परमेश्वर की निस्वार्थता है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? निश्चित रूप से नहीं। सार रूप में ये 5,000 लोग कौन थे जिन्हें प्रभु यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां खिलाई? क्या तुम कह सकते हो कि वे ऐसे लोग थे जो उसके अनुकूल थे? क्या तुम कह सकते हो कि वे सभी परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण थे? ऐसा निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि वे प्रभु यीशु के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थे, और उनका सार परमेश्वर के प्रति एकदम शत्रुतापूर्ण था। परंतु परमेश्वर ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उसने परमेश्वर के प्रति लोगों का विरोध शांत करने के लिए एक तरीके का उपयोग किया था। इस तरीके को दयालुता कहते हैं। अर्थात यद्यपि प्रभु यीशु ने उन्हें पापियों के रूप में देखा, किंतु परमेश्वर की नजरों में वे फिर भी उसकी रचना थे, इसलिए उसने इन पापियों के साथ फिर भी दयालुता का व्यवहार किया। ये परमेश्वर की सहनशीलता है, और ये सहनशीलता परमेश्वर की अपनी पहचान और सार से निर्धारित होती है।
इसलिए ये ऐसी चीज है जिसे करने में परमेश्वर द्वारा सृजित कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं है, केवल परमेश्वर ही इसे कर सकता है।